रेक्टिफिकेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग रेक्टिफायर्स को यूज़ करते हैं, और इन्हें इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हम एसी करंट को डायरेक्ट करंट डीसी में तब्दील कर सकें। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एसी करंट है, एसी करंट हमें मालूम है कि ऐसा करंट होता है जो हर सेकंड के बाद अपने डायरेक्शन को थ्रू आउट द प्रोसेस इस तरीके से रिवर्स करता चला जाता है, और डीसी करंट जो है हमारे पास ऐसा करंट होता है जो थ्रू आउट द प्रोसेस क्या करता है, डायरेक्ट एक ही डायरेक्शन में जो है फ्लो करता चला जाता है इस तरीके से। तो ये हमारे पास एसी करंट है और ये हमारे पास डीसी करंट है। बाद वक्त क्या होता है कि कुछ ऐसे अप्लाइंसेज हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज, जिनमें हमें जो है एसी सोर्स से करंट जो है प्रोवाइड किया जा रहा होता है, लेकिन हम वहाँ एसी की जगह डीसी रिक्वायर्ड होता है। तो हम क्या करते हैं कि अपने एसी सोर्स के साथ एक हम लोग लगा देते हैं रेक्टिफायर। ये जो रेक्टिफायर हैं बेसिकली हमारे पास ट्रांजिस्टर होते हैं जिन्हें हम लोग एम्पलीफिकेशन के लिए और रेक्टिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो है हमारे पास रेक्टिफायर आ जाता है, इसे मैं लिख देती हूँ कि ये हमारे पास रेक्टिफायर आ गया, और इस रेक्टिफायर को यहाँ पे लगाने से जैसे ही हम इसी सोर्स के साथ इस रेक्टिफायर को अटैच कर देते हैं जो कि एक ट्रांजिस्टर होता है, वो ट्रांजिस्टर NPN भी हो सकता है और PNP हो सकता है, तो क्या होता है कि जैसे ही इस रेक्टिफायर को इसी सोर्स के साथ लगाया जाता है तो जो हमारा करंट था जो कि इस तरह से इस फॉर्म में आ रहा है ऑल्टरनेटिव करंट की फॉर्म में, वो रेक्टिफायर लगाने से क्या करता है कि बिल्कुल डीसी करंट के फॉर्म में चले जाता है जो कि इस तरह हमें डायरेक्ट करंट प्रोवाइड कर देता है। तो जहाँ जहाँ हमें रिक्वायर्ड होता है कि हम एसी करंट को डीसी करंट में तब्दील कर दें, तो हम क्या करते हैं कि हम एसी सोर्स के साथ एक रेक्टिफायर लगा देते हैं तो हमें डीसी करंट मिल जाता है। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं कि जिसमें हम लोग एसी सोर्स से जो है ऑल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट डीसी में तब्दील करते हैं, वो जो ऑपरेटर से जो ये काम करता है जिसे हम लोग रेक्टिफायर कहते हैं, उससे होने वाला ये सारा का सारा प्रोसेस कहलाता है कि ये रेक्टिफिकेशन है, क्योंकि हमें रेक्टिफिकेशन के अंदर रेक्टिफायर को इस्तेमाल करते हुए ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट डीसी में तब्दील किया है। बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास ये जो रेक्टिफिकेशन है इसकी दो टाइप हैं, हम दो तरीके से रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। एक जिसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है, ये हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफिकेशन आ जाती है, और दूसरी वो टाइप जिसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास फुल वेव रेक्टिफिकेशन, ये हमारे पास फुल वेव रेक्टिफिकेशन आ गई। तो हम लोग जो है रेक्टिफिकेशन दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम लोग फुल वेव रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं या हम लोग हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग हाफ वेव रेक्टिफिकेशन जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं। रेक्टिफिकेशन के बारे में तो देख लिया, अब हम लोग देखते हैं कि हमारी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन किस तरीके से की जा सकती है। जैसे कि अभी हम लोगों ने बात की कि हम लोग एक एसी सोर्स यूज़ करते हैं, इस एसी सोर्स के साथ हम लोगों ने क्या करना होता है कि हम लोगों ने ये वायर्स पकड़ी, ये दोनों तरफ से ही मैं वायर्स ले लेती हूँ। इन वायर्स के साथ मैंने क्या करना है कि मैंने अपना जो है एक रेक्टिफायर लगाना है, क्योंकि बेसिकली तो हमने यही देखा ना कि हम लोगों ने एसी सोर्स के साथ क्या करना होता है, रेक्टिफायर लगा देना होता है, और इस रेक्टिफायर ने क्या करना होता है कि इस करंट को एक ऑल्टरनेटिंग है इसे डीसी करंट डायरेक्ट में तब्दील कर देना होता है। अब यहाँ तक तो हम लोगों ने अपने सोर्स को वायर्स के थ्रू अटैच कर दिया, अब इसके साथ हमें क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे एक डायोड लगाना है। हम यहाँ पे अपना एक डायोड लगा लेते हैं इस तरीके से, ये हमारा एक डायोड है, और हमें मालूम है कि हमारे ट्रांजिस्टर भी डायोड के बने होते हैं, और ट्रांजिस्टर है जिसे हम एज अ रेक्टिफायर यूज़ करते हैं वो PNP भी हो सकता है और NPN भी हो सकता है। तो ये हमारा जो है पी टर्मिनल हो गया, यानी कि हमारा पी वाला हिस्सा हो गया, पी टाइप हो गया, और ये वाला हिस्सा जो है एन टाइप हो गया। एन के बारे में हमें मालूम है कि ये कैथोड वाला हिस्सा है, और पी के बारे में मालूम है कि ये हमारा एनोड वाला हिस्सा है। हमने क्या किया कि इसे हम लोगों ने जो है एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये एसी सोर्स है। इसके बाद जो है हम अपने सर्किट को मज़ीद आगे की तरफ वायर्स के साथ जोड़ते हैं, और यहाँ पर आके जो है एक रेजिस्टेंस जिसे हम लोग लोड रेजिस्टेंस कहेंगे, RLC से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर लगा देते हैं। और इस लोड रेजिस्टेंस RL के साथ हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक और अपरेटस लगा देते हैं जिसे हम लोग कहते हैं कि ये कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है, जिसके ऊपर हम क्या देख सकते हैं कि हम अपनी वेव्स को जो है एसी सोर्स से आ रही है करंट की वेव्स, उसे रेक्टिफायर होते हुए देख सकते हैं कि वो किस तरीके से रेक्टिफायर हुई है, उसका इमेज हम लोग देख सकते हैं। इसलिए हम लोग कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को यहाँ पर इसके साथ भी अटैच कर देते हैं,
और इसके साथ अटैचमेंट के बाद हम लोग जो को कंप्लीट करने के लिए वायर्स को इसके साथ इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। तो अब ये हमारा जो सर्किट है कंप्लीट हो गया। इस सर्किट में हमने क्या किया, एक एसी सोर्स लिया, कुछ वायर थी उसके साथ एक डायोड जो कि हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है, जो कि हमें मालूम है कि ट्रांजिस्टर डायोड से ही बनते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एक ट्रांजिस्टर डायोड लगा दिया जिसे हम लोगों ने एज अ रेक्टिफायर यूज़ किया है। उसके साथ एक लोड रेजिस्टेंस आयरन लगा दी, उसके साथ हम लोगों ने कैथोड रे ऑसिलोस्कोप लगाया। अब होता क्या है कि सबसे पहले हमें मालूम है कि एसी सोर्स में हमारे पास दो साइकिल आते हैं इस तरीके से। ये फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है और ये नेगेटिव हाफ साइकिल होता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, हमें मालूम है कि अगर ये हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस, अगर हम लोगों ने इसे करना है क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हमारे पास कोई फॉरवर्ड बायस जो है डायोड होगा तो उस सिचुएशन में वो क्या करेगा, वो करंट को फ्लो करेगा। करंट फ्लो होगा तो जो हमारे पास जंक्शन है, जो हमारे पास वहाँ पर डिप्लेशन रीजन बन जाता है, जो एक पोटेंशियल बैरियर आ जाता है, वो करंट के फ्लो होने की वजह से कम होता चला जाता है। तो जैसे ही करंट के फ्लो होने की वजह से वो हमारा डिप्लेशन रीजन या जो हमारा पोटेंशियल बैरियर है, डिप्लेशन रीजन की लेयर जैसे जैसे कम होती चली जाती है, ऐसे ही हमारा जो पोटेंशियल बैरियर है उसकी वैल्यू भी ऐसे ऐसे कम होती चली जाती है और वो करंट को मजीद फ्लो करने देता है। जैसे ही हमारा फॉरवर्ड बायस है, फॉर एग्जाम्पल के फर्स्ट हम हाफ साइकिल में कह लेते हैं कि इस हाफ साइकिल में क्या है हमारा, चूंकि इस हाफ साइकिल में क्या है कि हमारा एसी सोर्स लगा हुआ है, तो ये जो पी टाइप है ये बैटरी की, सपोज कर लेते हैं कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो है ये पी अटैच है और नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो है हमारा कैथोड अटैच है। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि फॉरवर्ड बायस हो रहा है, हमारा करंट जो है फ्लो करता चला जा रहा है। जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो हमारे पास जो है यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही एक साइकिल बनेगा जो कि अपर साइकिल होगा, जिसे हम क्रस्ट कह सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, चूंकि हमें मालूम है कि एसी के डायरेक्शन रिवर्स होना है, तो ये वाला तो नेगेटिव ही रह जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। अब क्या हुआ कि अब ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या हुआ कि यहाँ पर आकर जो है, फर्स्ट हाफ साइकिल में तो हमारे पास ये हुआ ना कि यहाँ पर अगर हमारे पास इस तरीके से था कि ये हमारे पास जो है ये पी टाइप है, पी टाइप इस वक्त जो है यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, लेकिन जैसे ही हमारे पास नेक्स्ट हाफ साइकिल स्टार्ट होता है तो क्या होता है, जो पी है वो पी टाइप जो है नेगेटिव के साथ अटैच हो जाता है और जो हमारा एन है वो पॉजिटिव साइकिल के साथ अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से उस वक्त क्या होता है कि नेक्स्ट हाफ साइकिल के अंदर ये जो है ये रिवर्स्ड बायस आ जाता है। रिवर्स्ड बायस आने की वजह से क्या होता है कि करंट बिल्कुल ही नहीं फ्लो होता। आपको मालूम है कि पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है, डिप्लेशन रीजन की जो लेयर्स हैं वो बढ़ती चली जाती है। तो जैसे ही आपके पास रिवर्स बायस आता है, क्योंकि आपका डायोड तो अपनी जगह फिक्स है, होना क्या है, इस एसी सोर्स ने अपने डायरेक्शन को रिवर्स करना है। जब इस डायरेक्शन में थी तो इसका पॉजिटिव पी के साथ अटैच था और नेगेटिव एन के साथ। जब इस डायरेक्शन में आ जाती है तो अब इसका नेगेटिव जो है पी के साथ अटैच हो जाता है और इसका पॉजिटिव जो है वो एन के साथ अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से अब जो करंट फ्लो करना है वो बंद हो जाता है। तो इस तरीके से ये हाफ वेव रेक्टिफायर हो जाती है, यानी कि हाफ वेव ऐसे ही रहती है और हाफ वेव आपके पास रेक्टिफायर होकर आ जाती है डायरेक्ट करंट के फॉर्म में। इस तरीके से ये प्रोसेस मजीद आगे चलता रहता है और इस तरीके से आपको रेक्टिफिकेशन मिलती रहती है। ये रेक्टिफिकेशन जो है आपके, आप जो है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन से देख सकते हैं कि आपके पास किस तरीके से ऑल्टरनेटिंग करंट की जो वेव्स हैं वो डायरेक्ट करंट डीसी में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पर आपके पास बेसिकली इस तरीके से एसी करंट होता है और एसी करंट जो है बाद में इस तरीके से पूरा का पूरा ऑपरेटर सेट करने के बाद आपके पास इस तरीके से डायरेक्ट करंट डीसी की फॉर्म में चल रहा है। कि फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि मैं यहाँ पर ही बता देती हूँ, हमारे पास टाइम के फोर पार्ट्स होते हैं। हम लोग सपोज कर लेते हैं कि हम लोग ने अपने टाइम को डिवाइड कर लिया है टी से लेके जो है हमारा टाइम जीरो से स्टार्ट हुआ था और जीरो से जो है टी बाय टू तक गया। इस सिचुएशन में क्या होता है कि इस सिचुएशन में जो है हमारे डायोड, फॉर एग्जाम्पल कि आप डायोड ले लें ई और सी, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की है, ई और सी ये दोनों क्या करते हैं, ये कंडक्ट करते हैं हमारे पास करंट को। कंडक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि ये दोनों इस सिचुएशन में हमारे पास फॉरवर्ड बायस्ड हैं। जब फॉरवर्ड बायस्ड हैं तो करंट कंडक्ट होगा और उस सिचुएशन में हमारे बी और डी जो है रिवर्स बायस है, उनके अंदर से करंट फ्लो नहीं करता। ये हमारी जीरो से लेकर टी बाई टू टाइम तक की बात है। इसके बाद क्या होता है, हमारा टाइम मजीद इंक्रीज करता है और टी बाई टू से इंक्रीज करता हुआ यहाँ पर हमारे पास टी बाई फोर तक आ जाता है। उस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारा साइकिल जो है इसी साइकिल रिवर्स करता है। सारी सी बातें एसी सोर्स है, हमें मालूम है कि एसी सोर्स में इस तरीके से इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो रही होती है उसके सोर्स की। तो क्या होता है कि जब ये अगला साइकिल आता है तो ये दोनों टर्मिनल, ये जो डायोड है, इनके जो पी टाइप है वो बैटरी के रिवर्स टर्मिनल के साथ अटैच हो जाते हैं। तो क्या होता है कि हमारा ये जो बी है, बी और डी, इस सिचुएशन में इनके पी टाइप जो है बैटरी के पॉजिटिव के साथ आ जाते हैं और इनके एन टाइप जो है बैटरी के नेगेटिव के साथ आ जाते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, हमारे बी और डी जो है ये कंडक्ट कर रहे होते हैं करंट को
और इस वक्त ये जो है ये फॉरवर्ड बायस में होते हैं, और दरमियान वाली जो सिचुएशन वही है जिसमें हमारा ए और सी जो है रिवर्स बायस में आ जाता है। तो क्या होता है कि ये फॉरवर्ड बायस में जब दो डायोड आते हैं तो उनके डायोड फॉरवर्ड बायस में आने की वजह से करंट फ्लो हो जाता है, जबकि उसी सिचुएशन में उसी वक्त में अगले दो डायोड जो लगे हैं वे अपोजिट डायरेक्शन में वो रिवर्स बायस में आते हैं, वो करंट को फ्लो नहीं होने देते। इसी तरीके से जब अगला साइकिल आता है तो बी और डी जो है वो फॉरवर्ड बायस में आ जाते हैं, करंट को कंडक्ट होने देते हैं, जबकि उसी लग ही हमारा ए और सी जो है रिवर्स में चले जाता है, वो करंट को कंडक्ट नहीं होने देता। तो इस तरीके से हमारे पास ये इस तरीके के साइकिल आ रहे होते हैं जो कि ये बता रहे होते हैं कि हमारे पास जो है डायरेक्ट करंट डी सी बनना शुरू हो गया है। अब हम इसे बाकायदा यूज़ कैसे करते हैं, हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में इसे इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि जैसे कि ये एक एनिमेशन है, इसमें हमारे पास क्या हो रहा होता है कि हम लोगों ने पूरा का पूरा अपैरेटस सेट किया होता है, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने एसी सोर्स लगाए होते हैं ना, और एसी सोर्स के बाद जो है यहाँ से भी एक टर्मिनल निकाल के हम लोगों ने आरएल रेजिस्टेंस के साथ लगाया होता है, उसके बाद के थोड़ा ड्रे ऑसिलोस्कोप के साथ लगाया था। सिमिलरली जब हम लोग लैब में काम करते हैं तो हम लोगों ने क्या किया होता है कि ये हमारे चार जो है डायोड है, इन डायोड को ये देख सकते हैं आप कि ये ए डायोड है और ये हमारे पास जो है सी डायोड है, ये सिमिलर डायरेक्शन में, और ये जो हमारे पास बी और डी है ये बिल्कुल सिमिलर डायरेक्शन में, लेकिन ये ए और सी से जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक टर्मिनल हमने यहाँ से निकाल लिया और एक टर्मिनल जो है हम लोगों ने इस वाले डायोड से निकाल के अपने सोर्स के साथ कनेक्ट कर लिया, और दूसरा यहाँ से पकड़ा और यहाँ से, जैसे कि हम लोगों ने ब्रिस्टोन में किया था ना कि उसके चार कोने थे, दोनों को हम लोगों ने वायर से अटैच किया था, ये वाले टर्मिनल और इसको एक कनेक्शन दे दिया, और ये वाले और इस वाले टर्मिनल को एक कनेक्शन दे दिया। अब ये जो ये वाला कनेक्शन है इसके साथ ये हम लोगों ने फिल्टर कैपेसिटर इस्तेमाल कर लिया, उसके साथ ही पैरेलल यहाँ पे हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस लगा लिया, उसके साथ ही पैरेलल में हम लोगों ने यहाँ पे एक बल्ब लगा लिया, क्योंकि बल्ब के अंदर भी रेजिस्टेंस होती है। आप यहाँ बल्ब से क्या चेक कर सकते हैं कि आपकी ये जो फिल्टर कैपेसिटर को लगाने से कोई एडवांटेज हुआ है या नहीं, और किस तरीके से एसी करंट जो है डीसी करंट में तब्दील हो रहा है, और उसके साथ ही आपने बिल्कुल पैरेलल वे में यहाँ पे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की वायर अटैच की होती है। इसके बाद यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ही आप अपने ये टर्मिनल है उसको यहाँ और यहाँ अटैच कर देते हैं, मतलब कि आप उन्हें इस तरीके से अटैच करते हैं कि ये दोनों जो आपके पास डायोड हैं उस वक्त वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच हो जाए, मतलब कि आपका ए और सी जो है उस वक्त बैटरी के इस तरह से अटैच है एसी सोर्स के साथ कि उनके पी टाइप जो है बैटरी के पॉजिटिव और एन टाइप जो है बैटरी के नेगेटिव के साथ अटैच है। तो होता क्या है, जब तक तो वो अटैच नहीं थे कि थोड़े ऑसिलोस्कोप के पास आपके पास कोई भी लाइन नहीं है, कोई भी वेवफॉर्म नहीं है, लेकिन जैसे ही आप जो है इन दोनों को कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं तो फौरन जो है आपके पास वेव बनना शुरू हो जाती है, आपके पास इस तरीके से वेव आना शुरू हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपने अभी कनेक्ट नहीं किया, ये जैसे आप कनेक्ट करने जा रहे हैं तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के ऊपर जो है इस तरीके से वेव फॉर्म बनना शुरू हो जाती है, और जैसे ही बिल्कुल अटैच हो जाते हैं तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के ऊपर बिल्कुल डायरेक्ट करंट डीसी की फॉर्म आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि इस वक्त जो है आपके दो डायोड जो है फॉरवर्ड बायस हैं और दो डायोड जो है वो रिवर्स बायस हैं। और उसके बाद अगर आप ये देखना चाहें कि आपने ये जो फिल्टर कैपेसिटर लगाया है इसके लगाने से क्या होता है, तो इसे लगाने से हमारे पास ये चीज़ आ रही है। तो होता क्या है कि जैसे ही हम इसे अटैच कर देते हैं, ये जैसे कि अभी हमारे पास ये वाली वेव की फॉर्म आ रही है, अब हमने कैपेसिटर का एक टर्मिनल लिया और उसे बिल्कुल कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया, ये जो हमारे पास कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर को प्रोवाइड करने से हमारे पास जो डायरेक्ट करंट डीसी है जो कि इस तरीके से हमारे पास साइकिल्स की फॉर्म में आ रहा था, अब वो क्या होता है कि बिल्कुल डायरेक्ट हो जाता है इस तरीके से। इसलिए हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो कि फिल्टर कैपेसिटर है उसे इस्तेमाल करते हैं ताकि हम जो है बिल्कुल डायरेक्ट करंट डीसी ले सकें, और उसके साथ साथ जो हमारे पास सोर्स है जो हम लोग लैंप वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी ब्राइटनेस भी इंक्रीज हो जाती है, जो कि हमें ये इंडिकेशन दे रही होती है। साथ साथ हमारे पास कैथोड ऑसिलोस्कोप भी लगा होता है कि अब हमारा जो एसी सोर्स से आने वाला करंट था जिसे हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, वो इस सिचुएशन में हम लोगों के पास डायोड इस्तेमाल करने से बेसिकली जो कि हमारे पास एक रेक्टिफायर के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बेसिकली जो डायोड है ना वो हम लोग ट्रांजिस्टर डायोड इस्तेमाल करते हैं, ट्रांजिस्टर को हम लोग रेक्टिफिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम लोग ट्रांजिस्टर को लगाते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास जो है रेक्टिफिकेशन हो जाती है। अगर हम एक डायोड यूज़ करेंगे तो हमारे पास सिंगल वेव जो है सिर्फ उसे हाफ वेव कह सकते हैं, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होती है, और अगर हम लोग चार वेव एट अ टाइम यूज़ करेंगे तो हमारे पास फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो जाती है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में एसी सोर्स की वजह से जो करंट आ रहा है उसे डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना है तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप सिंपल सी अरेंजमेंट कर सकते हैं कि आप चार डायोड लगाएं, उनको क्या है ब्रिस्टोन की तरह कनेक्शन प्रोवाइड करें, दो टर्मिनल यहाँ से लें और यहाँ से लें, इनको यहाँ से एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दें, और दो टर्मिनल इस वाले से लें और इन्हें जो है एसी सोर्स के साथ जो हमारे पास जो है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के साथ और रेजिस्टेंस आरएल के साथ कनेक्ट कर दें। और इसके साथ ही साथ अगर आप देखना चाहते हैं रेक्टिफिकेशन जो है आप उसको जो है बिल्कुल पैरेलल करना चाहते हैं, स्टेट करना चाहते हैं अपना जो है पैरेलल प्लेट का पैसे इस्तेमाल करके,
तो आप यहाँ पे उसे कर सकते हैं, आप यहाँ पर बिल्कुल साथ ही कनेक्शन प्रोवाइड कर दें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, तो आपको रेक्टिफिकेशन इस तरह होने की वजह डायरेक्ट ही मिल जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके पास डायरेक्ट करंट डीसी आ गया। लेकिन इसे हम लोग बेसिकली करंट जो है थोड़ा सा बाद में प्रोवाइड करते हैं, इसको जो कनेक्शन है बेसिकली कनेक्शन कहना चाहिए, वो थोड़ा सा ठहर के प्रोवाइड करते हैं, ताकि पहले हम देख लें कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में पहले किस तरह की हमारे पास डीसी करंट की वेव्स आती हैं, और अगर हम कैपेसिटर को अटैच कर दें तो किस तरह की आती है। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर ऐसा ऐसा अपना काम करते हैं, ताकि हर एक स्टेप को हम लोग कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के ऊपर होता हुआ बज़ाहिर ही देख सकें। तो इस तरीके से आप अपनी लैब के अंदर जो है चारों डायोड्स को इस्तेमाल करके कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के साथ लगा के बज़ाहिर एसी सोर्स इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एसी सोर्स से आने वाला करंट आपने डायरेक्ट करंट डीसी में तब्दील किया। तो ये कुछ रेक्टिफिकेशन के बारे में था कि रेक्टिफायर जो है ट्रांजिस्टर होते हैं, हम इन्हें क्यों यूज़ करते हैं, कि जब हम लोगों को अपनी वेव को रेक्टिफायर करना हो यानी कि उसी एसी से डीसी में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग जो है रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम लोग अपनी मदद के लिए जो है रेक्टिफायर यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास बेसिकली ट्रांजिस्टर डायोड्स होते हैं। तो इस तरीके से जो डायोड्स हैं हम लोग उन्हें रेक्टिफिकेशन में इस्तेमाल कर लेते हैं।